गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास थ्री का ईवीएस में जो थर्ड चैप्टर है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों की जो खाने की आदतें होती हैं या जो वो खाते हैं उसके विषय में आज आपको बताया जाएगा। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, जितनी भी जीवित चीजें हैं उनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सिंस एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, क्योंकि ये जो जानवर हैं ये भी हमारे जीवित प्राणी में आते हैं, दे ऑल्सो नीड फूड लाइक अस, उन्हें भी हमारी ही तरह से भोजन की आवश्यकता होती है। दे नीड फूड टू ग्रो, उन्हें भी विकसित होने के लिए, विकसित होने के लिए या बड़े होने के लिए भोजन की जरूरत होती है। फूड गिव्स देम एनर्जी, भोजन उनको ऊर्जा प्रदान करता है फॉर वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग कार्यों के लिए। फूड कीप्स देम हेल्दी, भोजन उनको स्वस्थ बनाता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग, अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से भोजन करते हैं। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स, इनको जानवरों को हम मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं उनके भोजन के आधार पर। पहला हरिवर्स, सेकेंड कर्णिवर्स, थर्ड ओमनिवर्स, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। एक वो जो खाली घास फूस खाते हैं, मांस नहीं खाते, वो शुद्ध शाकाहारी बोलते हैं उनको हम, और दूसरे वो जो जानवरों के फ्लैश को खाते हैं उनको मांसाहारी, और तीसरे वो जो दोनों में ही आते हैं, दोनों मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भोजन भी करते हैं, वो सर्वाहारी में आते हैं। सबसे पहले हम शाकाहारी जानवरों के विषय में चर्चा करेंगे। एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हर्बिवोर्स, वो जानवर जो केवल पौधों पर, घास फूस पर या पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं, घास भी एक पौधा ही नहीं आता है, तो वो सभी शाकाहारी जानवर कहलाते हैं। जैसे काऊ, गोट, एलिफेंट, डियर, मतलब कि आपको गाय, बकरी, हाथी, हिरन, ये सब क्योंकि शाकाहारी भोजन करते हैं इसलिए शाकाहारी जानवरों में आते हैं। प्लांट्स आर इजीली डाइजेस्टेड, क्योंकि ये पौधे आसानी से पच जाते हैं। हर्बिवोर्स लाइक काऊ, बफेलो एंड शीप हैव वाइड एंड शार्प टीथ टू कट ग्रास एंड लीव्स, शाकाहारी जानवरों में गाय, भैंस, भेड़, ये इनके जो दांत होते हैं ये बहुत ही नुकीले होते हैं, इसलिए ये घास को और पत्तियों को बहुत आसानी से काट देते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ टू ग्राइंड हिज फूड बिफोर इट्स स्वॉलोड, निगलने से पहले इनके जो दांत होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर देते हैं, पीस देते हैं, जिससे आसानी से वो निगल जाते हैं। दिस एनिमल स्वालो हिज फूड बिफोर चीविंग इट, ये जानवर बहुत अच्छी तरह से अपने मुंह में चबाते हैं दांतों से और फिर उसको निगल जाते हैं। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद दे ब्रिंग द फूड बैक टू द माउथ एंड च्यू इट प्रॉपरली, वो मुंह में अपने भोजन को लेकर के बहुत अच्छी ढंग से उसको चबाते हैं। इट इज कॉल्ड चीविंग द कट आर मस्टिकेटिंग, हम इसको चबाना कहते हैं। मोस्ट रीडेंट्स लाइक रैबिट्स, और बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जैसे खरगोश, रैट, चूहा, स्क्वायरल, गिलहरी हैव पेयर ऑफ ब्रॉड शार्प एज टीथ टू ब्रेक द फूड सच नट्स, तो ये जो जानवर होते हैं इनके जो टीथ होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं, ये अखरोट को भी तोड़ने की क्षमता रखते हैं। दे ग्रे देयर फूड एंड आर कॉल्ड ग्रेवर्स, ये तोड़ कर खाते हैं इसलिए इनको तोड़ने वाले, तोड़ कर खाने वाले जीव कहते हैं। हर्बिवोर्स लाइक बटरफ्लाई एंड हमिंग बर्ड हैव माउथ पार्ट शेप्ड लाइक स्ट्रॉ टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, जो शाकाहारियों में जैसे मधुमक्खी है, बटरफ्लाई है और हमिंग बर्ड, एक हमिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया होती है, ये इनका जो मुंह का आकार ऐसा होता है कि ये जो है फूलों से
जो उनका रस होता है वो भी चूस लेते हैं। सम एनिमल्स फीड ओनली ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों के मांस पर ही निर्भर करते हैं। दे डू नॉट ईट प्लांट्स, वो पौधों को नहीं खाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, उन सभी जानवरों को हम मांसाहारी जानवर कहते हैं। टाइगर्स, लायन, लेपर्ड्स आर कार्निवोरस, जो जानवर बताया आपको मांसाहारी वही होते हैं जो दूसरे जानवरों की मांस को खाते हैं, वो सभी मांसाहारी जानवर होते हैं। शेर है, चीता है, भेड़िया है, कुत्ता भी उसमें शामिल है, ये सभी जो है शाकाहारी मांसाहारी जानवर हैं। कार्निवोर्स हैव शार्प टीथ, गुड आई साइट एंड स्ट्रॉन्ग लिम्स विथ शार्प क्लॉज, मांसाहारी जानवरों के दांत बहुत ही नुकीले होते हैं, इनकी जो दृष्टि होती है देखने की क्षमता वो बहुत ही अच्छी होती है, और इनके जो जबड़े होते हैं वो भी बहुत मजबूत होते हैं और पंजे भी मजबूत होते हैं। दीज बॉडी फीचर्स हेल्प देम टू हंट एनिमल्स, इनके जो शरीर की बनावट होती है वह जानवरों का शिकार करने में उनकी मदद करती है। मोस्ट स्नैक्स ईट स्मॉल एनिमल्स, जो अधिकतर जो सांप होते हैं सर वो छोटे जानवरों को खाते हैं, जैसे चिड़िया को, चूहे को, मेढक को और चिड़ियों के अंडों को, ये सांप इनका भोजन करते हैं। दे स्वालो देयर फूड, ये अपने फूड को, सांप अपने फूड को स्वालो बने चबाते नहीं, ये निगल जाते हैं। ऑल स्नैक्स आर कार्निवोरस, सभी सांप मांसाहारी होते हैं। सम बर्ड्स आर कार्निवोरस, कुछ चिड़िया भी ऐसी होती हैं जो मांसाहारी होती हैं, इसमें ईगल है, आउल है, ये छोटे छोटे जानवरों को खा जाती हैं। चील, बाज और उल्लू इन जानवरों में आते हैं। दे हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक एंड क्लॉज, उनके जो पंजे और उनके जो चोंच होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। बच्चों आज आपको यहीं तक पढ़ाया जाएगा और इसके आगे आप कल की वीडियो में फिर प्राप्त करेंगे। थैंक यू।